पीड़े अंकल और हमारे पेरेंट्स इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? पीड़े अंकल सॉरी, आपके काका आने पर हम क्रिकेट बंद ही करने वाले थे, पर जैसे ही मैंने शॉट मारा और आपके काका की गाड़ी की एंट्री हुई और उसमें हेडलाइट टूट गया, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सच्ची। टप्पू मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। सोनू गरीब चल सलमा दी। ये क्या कर रहा है? और चल कोकी कर चल, हंसना वसना नहीं है। और रोशन चल, चलो गोली घर चलो 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 घर चलो। टप्पू तुमको क्या आमंत्रण पत्र भेजू है? चलो चलो घर चलो चल चल दया चल। अरे मैंने क्या किया? ओ सॉरी सॉरी चल। हंस प्लीज एक बार फिर से सोच लो। मैंने सब सोच समझ के फैसला किया है कोमल। फैसला? कैसा फैसला ले रहे पापा? कोमल अगर यही हाल रहा तो गोली और शरारती हो जाएगा। हाँ वो तो है। कल गोली के स्कूल जाते हैं और उसके प्रिंसिपल से उसकी शरारत की बात करते हैं। ओ गॉड, पापा मम्मी प्रिंसिपल से मेरी शरारत की शिकायत करेंगे? पर हंस अगर प्रिंसिपल ने कहा कि गोली स्कूल में भी शरारत करता है तो फिर हम उसे स्कूल से भी निकाल देंगे। तुरे पापा मम्मी मुझे स्कूल से निकालने का प्लान बना रहे। रोशन कोगी को स्कूल से निकाल देंगे तो फिर क्या? फिर क्या क्या? वो अपना गैराज है ना, अब मेरे साथ गैरेज जाएगा, वहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर करनी सीखेगा। रोशन लेकिन ऐसे में गोगी के फ्यूचर का क्या होगा? सोनिया तू भी यार कमाल करती है, और गोगी के फ्यूचर की छोड़ और मेरे गैरेज की फ्यूचर की सोच। ओए सोनिए हम दोनों को अपने दिल पे ना पत्थर रखना पड़ेगा पत्थर। और तेरे को मालूम है ना आजकल मैं थोड़ा थक जाता हूँ, मेरे को एक असिस्टेंट की जरूरत है। अभी इसके लिए गोगी पुत्र ही तो काम आएगा। और वैसे भी क्या है ना, गोगी पुत्र के भविष्य का हमको सोचना है, और उसने टप्पू सेना के साथ रहकर तो पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है। मेरे साथ गैराज जाके हर गड्डी को रिपेयर करना सीखेगा, खूब पैसे कमाएगा और तगड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। गोगी पुत्र का फ्यूचर से। रोशन तू टड्डन सच बोल रहा है, अब तो अपन को यही करना पड़ेगा। और बिल्कुल तो फिर डन 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 डन। अरे क्या डन पापा, मुझे गैराज में नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। ये अली अली बोल बोल खड़ी खड़ी अरे अली अली बोल बोल आओ मीका मंडे। हाँ। सोनू को स्कूल से निकालने के बाद क्या? अरे क्या क्या बात भी, सोनू को वैशाली दाई के पास भेजेंगे ना सोलापुर। हाँ वहाँ वैशाली दाई की बेटी अश्मी के साथ पढ़ने के लिए। हाँ ही मस्त आइडिया है। अरे उसके साथ पढ़ेगी, वैसे भी माधवी सुनो हमारी इकलौती बेटी है, मैं चाहता हूँ कि वो जीवन में खूब आगे पढ़े खूब नाम कमाए। अपनी सोनू बहुत होशियार भी है ना? हाँ लेकिन अगर सोनू यहाँ पर रहेगी ना तो ये होशियारी कुछ काम में नहीं आएगी। अभी तो मेन पढ़ाई शुरू होगी सोनू की, यानी अभी सोनू का आगे का जो पढ़ना है ना वो सोलापुर में ही होगा। पर सोनू घर में नहीं रहेगी तो घर बहुत सुना सुना हो जाएगा। नहीं हाँ वो तो है। मैं क्या कहती हूँ, फैसला लेने से पहले एक बार सोनू को पूछ ले तो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, काई गरज नहीं है। ये तय रहा कि सोनू को हम लोग पढ़ने के लिए सोलापुर भेजेंगे, मतलब भेजेंगे। मैं मानता हूँ कि घर सुना सुना हो जाएगा, लेकिन क्या है माधवी, मन को ये शांति भी तो रहेगी कि सोनू का भविष्य नहीं बिगड़ेगा। तो बस ये तय रहा कि सोनू के आगे की सारी पढ़ाई सोलापुर में ही होगी। बस दया बहुत हो गया, अब टप्पू को हॉस्टल में डालना ही पड़ेगा। हेमा माता जी मत बोलना। नहीं 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 मैं ये कह रही थी कि हेमा बहन ने जब से अपने बेटे हेमल को हॉस्टल में डाला है
तब से वो सिर्फ सुधर ही नहीं गया, वो किधर से किधर गया। अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था टप्पू को हॉस्टल में डालो, टप्पू को हॉस्टल में डालो, लेकिन तू और बापूजी मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। अगर उस वक्त तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अभी तो रात है। टप्पू की जगह तुझे हॉस्टल में भेजने की जरूरत है। सर सर सर, अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि टप्पू को हॉस्टल भेजने से पहले एक बार जरूर सोच ले। क्यों, अभी क्या हुआ? मेरा मन नहीं मान रहा है। तो ठीक है, तू भी टप्पू के साथ हॉस्टल जा। मैं क्यों जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, मैं आपके साथ रहूंगी। मैं माँ बाद में पहले आपकी पत्नी हूँ। शाबाश। लेकिन बापूजी मानेंगे? बापूजी माने या ना माने, इस बार मैं नहीं मानूंगा। दया, सामान पैक कर। लेकिन मैं तो मान गई हूँ। तेरा सामान नहीं, टप्पू का सामान पैक कर। हम कल के कल उसको पंचगिनी हॉस्टल में छोड़ कर आते हैं। पंचगिनी? मम्मी पापा मुझे पंचगिनी हॉस्टल में भेज रहे? ओ नो, मुझे फटाफट टप्पू सेना के साथ बात करनी होगी। चल दया, बापूजी से बात करते हैं। लेकिन बापूजी तो भजन मंडली में गए हैं। कौन है उधर? टप्पू? कहाँ जा रहे? वो नोट्स लेने गोली के पास। कल सुबह ले लेना। नहीं, अभी गोली के पास जाना जरूरी है। हा? मतलब गोली के पास से नोट्स लेना जरूरी है। डर गया है, टेंशन में आ गया है टपूड़ा मेरा। हर बार मुझे टेंशन देता है, आज उसको टेंशन में देख के मजा आ गया। देखना, मुझे लगता है अभी वो टप्पू सेना की मीटिंग बुलाएगा। भीड़े को फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल, बोलो। अरे भाई, भीड़े अपना प्लान काम कर रहे हैं। टप्पू ने अपना नाटक सच मान लिया है। हाँ जेठालाल, सुनु ने भी नाटक को सच मान लिया है। अच्छा? हाँ, वैसे क्या बोला टप्पू? अरे वो बोला कुछ नहीं, अभी सीधा नीचे गया है। मुझे लगता है वो अर्जेंट अभी टप्पू सेना की मीटिंग बुलाएगा। भीड़े, एक काम करते हैं, हम भी नीचे जाते हैं और इनकी बातें चुप चुप कर सुनते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, चुप कर बात सुनते हैं। मैं अभी सबको नीचे बुलाता हूँ। ठीक है, हम भी नीचे आते हैं। हाँ ठीक है, चल दे। क्या यार फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स ने हमें परिश करने का प्लान भी बना लिया है। वो यार, तुम लोग तो पढ़ाई तो कर पाओगे, लेकिन इस छोटे से जन को गैरेज में काम करना पड़ेगा। तू लकी है, तुझे पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ेगी। अरे मुझे तो वैशालानी के घर सोलापुर भेज देंगे बाबा। पता है मुझे हॉस्टल भेजने वाले। टप्पू, मैं गोकुल धाम टप्पू सेना और पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता। मैं भी। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरी वजह से हुआ। ना मैंने भीड़ अंकल के काका का गाड़ी का हेडलाइट तोड़ा होता और ना ये सब होता। ओ टप्पू, खेल में ये सब होता रहता है। टप्पू, तो दादाजी से बात करना। अरे इस बार तो पापा ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि वो दादाजी की बात सुनेंगे ही नहीं। फ्रेंड्स एक काम कर दे, हम पेरेंट्स से माफी मांग लेंगे और उन्हें कहेंगे कि हम कभी शरारत करेंगे ही नहीं और हम लोग खेलेंगे भी नहीं, बस हमें माफ कर दो। बेचारे बच्चे कितनी टेंशन में आ गए हैं। मुझसे बच्चों की ये परेशानी देखी नहीं जाती। अभी ये लोग जितना परेशान हो रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा खुश होंगे जब इनको सरप्राइज के बारे में पता चलेगा। सही बात है। क्या हो रहा है बापू जी, आप आ गए? हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बापू जी, वो दरअसल बात ये हुई कि जी, हम लोग टप्पू सेना को सबक सिखाने के लिए झूठा नाटक कर रहे हैं। ए बेवकूफ,
बच्चों की जान जलाकर उनको सबक सिखाओगे? दादाजी सबक नहीं बापूजी, सरप्राइज। वो लोग हमेशा हमको टेंशन देते हैं ना, तो हमने भी उनको टेंशन के साथ सरप्राइज देने का सोचा। ये सोचा वाली उबता उबता। बाबा अंकल वी आर वेरी सॉरी, अब प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी, हम लोग शरारत नहीं करेंगे। पापा मुझे गैरेज में काम नहीं करना है। दादाजी आप प्लीज हमें हॉस्टल में जाने से बचा दीजिए ना दादाजी, प्लीज प्लीज। हाँ, दादाजी प्लीज प्लीज दादाजी। अरे टप्पू सेना तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों को कोई हॉस्टल नहीं भेजेगा और स्कूल से भी नहीं निकलेगा। तुम सब लोग यहीं रहोगे गोकुल धाम में और सब लोग साथ मिलके एक ही स्कूल में पढ़ोगे। कमाल है यारो, हम सारे पेरेंट्स और बच्चों को वैसे भी हॉस्टल नहीं भेजने वाले थे और फिर सारा क्रेडिट चाचा जी खुद ही ले गए। अरे टप्पू सेना ये सब लोग तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे। हाँ? क्या मतलब आप लोग हमें स्कूल से नहीं निकालने वाले थे? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे भाई तुम लोग हम बड़ों को हमेशा टेंशन देते हो ना, तो इस बार हम बड़ों ने मिलकर तुम छोटे को टेंशन दिया। लेकिन पापा आपके इस टेंशन ने हमें एक सबक सिखा दिया कि आज के बाद हम ऐसी कोई शरारत नहीं करेंगे जिससे दूसरों को नुकसान हो। शाबाश। हम लोग कंपाउंड में क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। अगर कंपाउंड में खेलेंगे तो सिर्फ चेस खेलेंगे। बड़ा कंपाउंड में चेस। आई मी प्रॉमिस यू कि आप सबको एक नई टप्पू सेना देखने को मिलेगी। और नहीं भाई, ओ हमको तो पुरानी टप्पू सेना ही चाहिए अपने गोकुल धाम में। हाँ, बदली हुई मस्ती ना करे ऐसी टप्पू सेना नहीं चाहिए, हमें तो मस्ती करने वाली टप्पू सेना चाहिए। हम सभी चाहते कि तुम लोग इसी तरह हंसते खेलते रहो। टप्पू सेना यू नो कल चिल्ड्रंस डे है। यस, और इसी खुशी में कल तुम लोग को एक बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। हम लोग नहीं बताएंगे, तुम लोग बताते हो क्या? इसके लिए तुम लोग को कल तक का वेट करना पड़ेगा। देखिए मुझसे नहीं रहा जाता, इतना बड़ा सरप्राइज मैं नहीं छुपा कर रख सकती हूँ, मैं बता देती हूँ। बताने दो ना, बताने दो ना। अच्छा बताओ सरप्राइज ये है कि कल का सरप्राइज आपको कल पता चलेगा। टप्पू ये सोसाइटी में सब क्या पड़ा हुआ है? अरे मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, मुझे कैसे पता होगा? क्या तुझे अंदर में भी दिखाई देता है? अरे वाह एक गोगी। ये कौन गिरा? गोली। ए पिंकू मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ, तो फिर ये आवाज कैसे आई? मिस्टर गोगी डिटेक्टिव वो सब हम बाद में ढूंढेंगे, पहले ये ढूंढू हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी वाले कहाँ हैं। हाँ, हमें तो कहा था कि सरप्राइज देंगे लेकिन खुद ही गायब हो गए। हाँ आ गए होंगे।
बहुत अच्छा सरप्राइज था। थैंक यू। सुनो बेटा, अभी और सरप्राइज बाकी है। आओ बच्चों। दादाजी और आप सभी ने हमें एकदम सुपर सरप्राइज दिया है। थैंक यू। अरे टपूड़ा, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। चलो बैठो सब लोग, बताता हूँ। सरप्राइज बच्चों के लिए, सरप्राइज। और मैं जानता हूं इस सरप्राइज शब्द को सुन के बड़ों के मन भी एकदम बल्लियों उछलने लगे हैं बच्चों की तरह। आप और हम, हर आदमी चाहता है कि बचपन के दिन फिर से लौट आए। आप और हमारे बचपन की यादें हमारे साथ परछाई और साय की तरह चलती है, और हम चाहते हैं कि लौट जाए फिर से उन सुहाने दिनों में, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। लेकिन मित्रों, बचपन लौट के नहीं आता। बचपन तो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह पिघल गई तो पिघल गई, फिर से लौट के नहीं आता। लेकिन बचपन लौट के आए ना आए, लेकिन बचपन की यादों को तो हम लौटा सकते हैं। इसलिए गोकुल धाम सोसाइटी में होने वाला एक सरप्राइज, और मैं जानता हूं ये सरप्राइज सुन के आपके मन में आ रहा होगा ख्याल कि ये क्या होगा। होगा मनभावक, मनमोहक, मजेदार, कुछ ऐसा जिसे देख के बड़ों के दिलों में भी बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी, और बच्चे जिसे देख के तरोताजा हो जाएंगे। तो देखना मत भूलिएगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, जिसमें होगी ढेर सारी मजेदार बातें और बचपन की कुछ ऐसी चीजें जिसे देख के आप कहेंगे भाई वाह, एपिसोड हो तो ऐसा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।